मऊ जनपद के घोसी तहसील क्षेत्र के सर्वोदय पीजी कॉलेज के छात्र संघ चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर हारे हुए प्रत्याशियों ने वाराणसी गोरखपुर हाईवे पर जाम लगा दिया। छात्रों का आरोप था कि कॉलेज प्रशासन की मिलीभगत की वजह से ये लोग जितने भी जीतने के बाद भी हार गए, जिसके बाद घोसी के SDM छेदीलाल सोनगर ने छात्रों को किसी तरह समझा बुझाकर जाम समाप्त कराया। सुबह से सर्वोदय पीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव का मतदान हुआ। दोपहर 2 बजे से छात्र संघ चुनाव का मतगणना प्रारंभ हुआ, लेकिन जैसे ही अध्यक्ष पद पर उद्देश्य पांडे, उपाध्यक्ष पद पर पवन कुमार एवं महामंत्री पद पर अतुल शर्मा के नामों की घोषणा हुई, हारे हुए प्रत्याशियों ने कॉलेज में मतगणना का बहिष्कार करते हुए हाईवे पर जाम लगा दिया। मौके पर मौजूद एसडीएम छेदीलाल सोनगर ने किसी तरह छात्रों को समझाकर जाम समाप्त कराया, तब जाके आवागमन शुरू हो पाया है। और ये उनका पूर्वाग्रह है, आज मेरी राय में बोल रहा हूँ, कर रहे हैं द्वारा मतदान की उपयोगिता नहीं, उसका सबका प्रोसेस है। अगर नए उनके द्वारा देखी जाती है, बात सुनाई जाती है, तो विधिक प्रक्रिया अपनाएं, लेकिन ये जो यहाँ पे इस तरह कर रहे हैं। विजयी प्रत्याशी के रूप में उद्देश्य पांडे हैं अध्यक्ष के लिए, उपाध्यक्ष के लिए जो है पवन कुमार है, महामंत्री के लिए अतुल शर्मा जी हैं और संयुक्त मंत्री के लिए उत्कर्ष वर्मा। अध्यक्ष कितने वोट पाके जीते हैं चुनाव? अध्यक्ष पाए हैं 139। अच्छा, और महामंत्री के जो पद हैं अतुल शर्मा? अध्यक्ष पाए हैं 216, अतुल शर्मा पाए हैं 219, संयुक्त मंत्री पाए 198।